बकरवाल परिवार के दो नाबालिग बच्चों की कुलगाम में भीषण ठंड से मौत हो गई। परिवार खुले आसमान के नीचे तंबू में रहता है। तहसीलदार कहते हैं कि परिवार को आश्चर्य की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि रियासी के एक बकरवाल परिवार के दो नाबालिग बच्चों की दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसर के ब्रिनाल लामर इलाके में भीषण ठंड से मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि रियासी का एक बकरवाल परिवार ब्रिनाल लामर इलाके में खुले आसमान के नीचे एक टेंट में रह रहा था। शनिवार को देर रात उनके एक नाबालिग बच्चे के डेरे के अंदर भीषण ठंड से मौत हो गई। उन्होंने मृतक की पहचान रियासी के जुबैर अहमद मंसार के साहिल जुबैर पुत्र के रूप में की है। अधिकारी ने कहा कि रविवार सोमवार की मध्य रात्रि को उनकी 6 वर्षीय बेटी साजिया जान को भीषण ठंड के कारण कुछ जटिलताएं पैदा हुई और परिवार ने उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा के रास्ते में शाजिया की मृत्यु हो गई। जब तहसीलदार देवसर से संपर्क किया गया तो अब्दुल रशीद ने के एनओ को बताया कि उन्होंने पहले ही परिवार को आश्चर्य के लिए पास के स्कूल में स्थानांतरित करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने शनिवार को उन्हें राशन और कम्बल भी मुहैया कराया था, क्योंकि वे आश्चर्य के लिए पास के स्कूल में नहीं गए थे। नेशनल 18 के लिए कश्मीर से शेख नदीम की रिपोर्ट। हमारे पास इनके पास कोई रहने का कोई तरीका नहीं था, कोई इनका मकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो 3 तारीख से जब बर्फबारी शुरू होगी तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके बताया था, सर ऐसे ऐसे बर्फ गिर रही है, बकरवाल दब चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि बर्फ बहुत है तो हम आ नहीं सकते। तो फिर मैंने रजाकर तो इनको शिफ्ट किया अपने घर में और दूसरे के घर में। तो फिर 3 तारीख से बाद जब बच्चा बीमार हो गया इनका, तो बच्चे की डेथ हो चुकी। तो एक बच्चा मर चुका जिस वक्त, तो कल दूसरी फिर टीम पहुंच गई, तहसीलदार भी पहुंचा, फिर कल सब लोग पहुंचे, फिर इन्होंने एक कंबल भी दे दिया इनको, फिर को राशन वगैरह भी दे दिया इनको। मगर मरने से बाद जब डेथ होगी तब से बाद, फिर कल वो लड़की थी जो इनकी, उसकी भी डेथ होगी आज रात के 1 बजे। तो फिर आज लोग सब आ गए, हमने ये बोला एक्चुअली नहीं इनको एम्बुलेंस मिली तो नहीं इनका कुछ राहत हुआ, नहीं इनको कुछ नहीं। हमने सरकार से अपील की, खासकर गवर्नर साहब से और डीसी साहब से, हमारी रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी बकरवाल खाने बदोश होगा इनको थोड़ा देखभाल कीजिए, और इनकी राशन वगैरह जो इनको देख ली, इनका टेंट वगैरह, इनको राशन नहीं, इनको हट नहीं, अगर कहीं सरकारी लैंड हो गए उनमें हट बना दो इनको, जाके ये अपना रोजगार जो आप रह सकेंगे अपने अपने माल मवेशी को लेकर या अपने अयाल को लेकर। ऐसे लोग ऐसे, काश अगर ये बच्चा अगर अमीर का होता तो उसमें बहुत बड़ी जज्बा होता और बहुत बड़े तरीके होते। ये गरीब का था बच्चा, इस पर आवाज किसी गवर्नमेंट ने नहीं सुनी 3 तारीख से। मैं उन्होंने बोला था कि स्कूल में आज बोला था उन्होंने कि स्कूल में इनको शिफ्ट करो। मैंने बोला कि इनका हमने तरीका बना दिया, इनको वो बेड़े शेड़ी थी थोड़ी बहुत, स्कूल में ये कैसे रह सकेंगे ये लोग, इनका माल मवेशी कहां से कैसे करेंगे। मैंने इनका एडमिशन को ये बोला कि आप मकान ले लो, कोई किराया पर ले लो, किराया पर लेके इनको माल को भी बचाओ और इन लोगों को भी बचाओ। तो अगर स्कूल में इनको भरेंगे तो माल को किसके कंधे पर भरेंगे। ये बात है कि आज इन्हें मैंने बोला इनको राशन जो खर्चा है जो भी है तो वो इनको ऑलरेडी मिलनी चाहिए। तो दूसरी बात है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के मैंने बोला इनको डीसी साहब को कि एक अस्पताल यहाँ पर होना चाहिए 4 बेड वाला, अगर उसमें 2 ही डॉक्टर बैठेंगे तो अगर इस देहात इस एरिया में इस बर्फानी तूदे में फंस गए हम लोग, अगर उसमें कोई अस्पताल हमें होगा 3 तो 2 डॉक्टर का, तो ये लोग भी बचेंगे।